अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फखरे आरीवाला सैयद कोरम अली शाह, स्टारलाइट क्रिकेट क्लब आरीवाला के बड़े ज़बरदस्त स्टार बॉलर भी हैं, पूरे पाकिस्तान में आरीवाला को रिप्रेजेंट करते हैं। और उनके साथ हैं स्पीड स्टार मुबशर भट्टी, उनके साथ एफ 16 मुबीन जाट जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं, और साथ में बिग स्पॉन्सर हारिस गुज्जर उनके साथ हैं जो इनको स्पॉन्सर भी करते हैं। तो सैयद कोरम अली शाह के साथ पहला सवाल करेंगे। शाह जी, आप इस टूर्नामेंट में ओपनिंग आपका मैच था, अनलकी रहे लास्ट बॉल पर, सुपर ओवर में वो जा सकता था लेकिन बॉल आपके हाथ से वो आपको कैप्ट नहीं हो सका और स्टारलाइट की टीम वो मैच लूज़ कर गई। तो ओवरऑल आप कैसा देख रहे हैं इस टूर्नामेंट को? अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं क्रिशन क्रिकेट फैमिली को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिनकी अनथक मेहनत की वजह से इतना टूर्नामेंट, इतना अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं। ये पूरे पाकिस्तान में आरीवाला की ये पहचान बना हुआ है ये टूर्नामेंट, और इनकी बहुत बड़ी काविश है, और इनको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। इन्होंने आरीवाला के क्रिकेट को ज़्यादा प्रमोट किया। तो जो लास्ट ओवर में सिर्फ 7 रन्स बाकी थे और मुबीन जाट बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे थे, लास्ट 2 बॉलों पर 5 रन्स बाकी था और थर्ड मैन पीछे और फाइनल लेग ऊपर रखा हुआ था, तो क्या स्ट्रेटजी थी आपकी मुबीन भाई? मुझे अपने बॉलर पर यकीन था, मुबीन पर यकीन था कि ये सेव करेगा, लेकिन ये क्रिकेट है, आप इसमें कुछ भी नहीं कह सकते, आखिर तक कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मुबीन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बहुत अच्छा ओवर किया, लेकिन हमारे नसीब में नहीं था। तो जी, ओवरऑल स्टारलाइट की टीम इस मेगा इवेंट की बड़ी ख़ास टीम थी, और वैसे भी देखा जाए तो पूरे डिस्ट्रिक्ट पाकपतन में नंबर 1 टीम क्रिसेंट क्रिकेट क्लब आरीवाला, स्टारलाइट क्रिकेट क्लब आरीवाला, जो कि क्रिकेट को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं और जूनियर्स के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया भी करते हैं। तो मुबीन भाई, कैसा आपके माइंड में चल रहा था जब 2 बॉलों पर 5 रन बाकी था? बस यही चल रहा था, मैंने सोचा कि मैंने उससे पहले भी अपने कप्तान को कहा था कि मैंने ओवरऑल जो बॉलें हैं वो मैंने अच्छी कर ली हैं, कि ये मुझे इधर ही खेलेगा, तो मेरा कप्तान बोला नहीं खेलेगा इधर। तो मैंने एक दो मैच उसके देखे थे, तो उसने वही काम किया जो मैं उनको बोला। चले, थैंक यू वेरी मच। हारिस गुज्जर भाई, आपको स्पेशली मैं मुबारकबाद भी पेश करूँगा और आपका शुक्रिया भी अदा करूँगा, क्योंकि आप जैसे स्पॉन्सर की वजह से ही जो प्लेयर हैं वो पूरे पाकिस्तान में। मैं ऐड करना चाहता हूँ, हारिस गुज्जर हमारे बहुत बड़े बड़े अच्छे प्यारे भाई हैं, इनकी वजह से आरीवाला की क्रिकेट जो है बाहर प्रमोट हो रही है, और ये हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और स्पॉन्सरों से भी हमें काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट की वजह से, इनकी वजह से भी फायदा हो रहा है। ये भी एक अच्छे स्पॉन्सर है, अल्लाह पाक इनकी लंबी उम्र करा। तो हारिस भाई, ये कब तक आप ये सिलसिला जारी रखेंगे? ये सबसे पहले तो ये क्रिकेट के साथ मोहब्बत है, इसलिए हर प्लेयर के साथ सपोर्ट करना, जो जान के साबिश करना, हर एक जो जान के इससे अपना हिसाब से जान के प्रमोट कर सकता है, पैसे लगा सकता है, उन्हें क्रिकेट को प्रमोट करना चाहिए। और ये हमारा प्यार है क्रिकेट के साथ, ये हमारा प्यार है क्रिकेट के साथ। जी बिल्कुल, ऐसे ही है। पीर खुरम शाह, मुबीन जाट, मुबशर वगैरह जितने भी प्लेयर मैं बाहर लेके जाता हूँ, ये मेरी उम्मीदों पर पूरा उतरते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, ये थे हारिस गुज्जर, और इंशाल्लाह दोबारा नेक्स्ट आपसे मुलाकात होगी।